हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं एचटीएमएल क्लास नंबर 8। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के वीडियो में हम बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। सो बॉडी टैग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट ऑफ ए बॉडी। एचटीएमएल में जब हम एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो क्या होता है, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है। उस बॉडी सेक्शन को बनाने के लिए हमें बॉडी टैग की हेल्प लेनी पड़ती है। इट कंटेन ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का सारा जो कंटेंट होता है, जो ब्राउजर पे जो कंटेंट हमें दिखता है आंखों को, जो इमेजेस, जो टेक्स्ट, जो भी हो, वीडियो वगैरह, वो सारे चीज इस बॉडी टैग के अंदर रखे जाते हैं। सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक टेबल्स, लिस्ट। ये हाइपरलिंक टेबल, लिस्ट, इमेजेस आगे हम देखने वाले हैं कि इसे कैसे हम यूज करेंगे, ब्राउजर पे कैसे दिखाएंगे एचटीएमएल से। पर हेडिंग पैराग्राफ के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो ये हेडिंग पैराग्राफ को दिखाने के लिए बॉडी टैग के अंदर ये सारे चीजें रखे जाते हैं। ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एक ही बॉडी टैग होना चाहिए, ओनली बी वन बॉडी एलिमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। उसी तरह हेड भी एक ही बार होना चाहिए, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज। उसी तरह बॉडी भी एक बार होना चाहिए एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे पहला एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम पहले एट्रीब्यूट देखेंगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, बॉडी टैग का बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के बारे में कि क्या काम करता है। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। एक इमेज अगर रखना है तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे। वैसे तो हर ब्राउजर का बॉडी बाई डिफॉल्ट व्हाइट कलर का होता है। अगर हमें कुछ इमेज एज अ बैकग्राउंड रखना हुआ तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट बॉडी के साथ यूज करेंगे। इट कंटेन द वैल्यू एज URL व्हिच स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द बैकग्राउंड। मतलब क्या है कि हम जो यूज करेंगे वैल्यू, इस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू हम यूज करेंगे, ये एक पाथ होना चाहिए, इमेज का पाथ होना चाहिए, कहाँ पे हमारा इमेज है उसका पाथ होना चाहिए। और इसके लिए हम यूज करेंगे सिंटैक्स, बॉडी तो टैग रहेगा, बैकग्राउंड उसका एट्रीब्यूट रहेगा, और URL जहाँ पे लिखा है वहां पे रहेगा पाथ, पाथ अपन इमेज, इमेज का पाथ हम रखेंगे। और यहाँ पे हम लोकल इमेज भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो कोई रिमोट लिंक, मतलब अगर कोई सर्वर में, ऑनलाइन सर्वर पे कोई इमेज है, हम चाहें तो उसका इमेज भी, उसका उस इमेज को भी बैकग्राउंड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो कोड पे देखते हैं ये टैग को यूज करके क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे हम अपने ड्रीम ओवर एडिटर पे आ गए। सो हमें बॉडी टैग के अंदर काम करना है। सो बॉडी बैकग्राउंड, सो अगर ड्रीम ओवर यूज करें तो इसे आपको सजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी पाथ यूज कर सकते हैं। ओके, सो पहले देख लेते हैं इमेज कहाँ पे है। जहाँ पे मैं अपना ये इस फाइल में मैं अभी कोड लिख रहा हूँ text2.html में, और यहाँ पे मेरे पास एक नेचर का एक इमेज है। सो मैं चाहता हूँ इसको एज अ बैकग्राउंड यूज करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा nature.jpg, वो एक jpg में था, सो nature.jpg। अब देखते हैं आउटपुट में, ये मेरा ब्राउजर है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, सो देखिए ये अभी मेरा जो बैकग्राउंड है ये अभी यहाँ पे आ गया। ये बड़ा सा इमेज है इसलिए जितना पार्ट आपको दिखेगा उतना पार्ट ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है एज अ बैकग्राउंड इमेज। ये मेरा इमेज था और ये यहाँ आ गया। मेरा जो जहाँ पे मेरा सोर्स फाइल था वहीं पे मेरा ये इमेज का फाइल था, इसलिए मैंने यहाँ पे बस फाइल का, इमेज फाइल का नाम और एक्सटेंशन यूज किया है। अगर आपका सपोज मान लो कि डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, सपोज आप इमेजेस फोल्डर है, अगर इसके अंदर आपका फाइल हो तो आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो डी ड्राइव कलोन यूज करेंगे, ड्राइव और देन द फोल्डर कहाँ पे आपका इमेज है, देन द पाथ ऑफ द इमेज।
ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे लोकल लिंक यूज किया है, आप चाहें तो रिमोट लिंक भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज एक सर्च कर लेता हूँ, google.com जाता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं सर्च करता हूँ नेचर, सो जो भी आउटपुट्स आएंगे, मैं यहाँ पे इमेजेस में जा रहा हूँ और देखिए सपोज मुझे ये वाला नेचर का इमेज पसंद आ गया। सो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड रखा है, ओके। सो ये वाला सपोज मैं चूज कर लेता हूँ, अभी ये जो मेरा इमेज आ गया इस पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन इमेज इन ए न्यू टैब कर लेता हूँ। ये इमेज एक न्यू टैब में ओपन हो गया, देखिए उसके ऊपर एड्रेस आ गया। तो आप यहाँ से ये पाथ कॉपी कर लीजिए, फिर अपना जो कोड विंडो है वहां पे आ जाइए, वहां पे जहां पे URL लिखा था यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। देन ये मेरा सेव हो गया। अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा ब्राउजर पे, ये मेरा ब्राउजर है, मैं मेरे HTML फाइल पे आ गया। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया, देखिए आ गया रिमोट लिंक। ये मेरा रिमोट का लिंक था, ये मैंने यहाँ पे रिमोट लिंक ऐड कर दिया। सो हम चाहे तो लोकल लिंक भी दे सकते हैं, रिमोट लिंक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड एट्रीब्यूट, बीजी कलर एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे अभी कुछ बैकग्राउंड इमेज दे रहे थे, हम चाहे तो कोई कलर भी बैकग्राउंड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, कोई HTML पेज का डॉक्यूमेंट का अगर हमें कलर देना हुआ तो हम बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, बॉडी तो टैग है, बीजी कलर यहाँ पे कलर हेक्स कोड, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जब पे कलर नेम यूज करेंगे तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो कलर नेम के जगह पे हम कलर हेक्स कोड यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखेंगे विद द कलर हेक्स कोड। सो बैकग्राउंड देंगे कलर हेक्स कोड के साथ, ये मेरा कोड है। यहाँ पे जो पाथ था, मैं इसे जो पूरा एट्रीब्यूट था इसको मैं पूरा इसे काट फटा रहा हूँ और यहाँ पे बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। और देखिए कोई भी कलर का हेक्स कोड मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं कोई कलर का हेक्स कोड आप लिख भी सकते हैं, अगर ड्रीम ओवर यूज कर रहे हैं तो आप पिक कर सकते हैं कलर का कोड। आप यहाँ से आराम से कलर का कोड पिक कीजिए अगर ड्रीम ओवर यूज कर रहे हैं। तो आप देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो रिफ्रेश करूंगा अभी, देखिए रिफ्रेश किया, यहाँ पे बॉडी का जो कलर था वो कलर यहाँ पे आ गया। सो ये मेरा यहाँ पे कलर हो गया, मैं चाहे तो कोई कलर यहाँ पे लाने के लिए पेज में बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करूंगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट क्या होता है, जो हम फॉन्ट यूज करते हैं, जो टेक्स्ट मटेरियल हम यूज करेंगे वहां पे उसका कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट। यूज टू डिफाइन द कलर ऑफ एन ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट का। सिंटैक्स सिमिलरली, बॉडी टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा एट्रीब्यूट, कलर हेक्स कोड, तो यहाँ पे कलर हेक्स कोड हम दे सकते हैं यहाँ पे। सो जहां पे भी कलर वहां पे हम कलर हेक्स कोड। सो टेक्स्ट में अभी यहाँ पे कलर हेक्स कोड हम यूज करेंगे जो कि रिकमेंडेड है। जैसे आगे मैंने कहा था जहां भी कलर का नाम यूज करना है डोंट यूज कलर नेम्स, यूज कलर हेक्स कोड इंस्टेड ऑफ कलर नेम्स। सो हमें यहाँ पे कलर हेक्स कोड पे ही करना होगा टेक्स्ट एट्रीब्यूट के साथ। सो देखते हैं करके एग्जांपल में टेक्स्ट। देखिए मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने एक H1 लिखा हुआ है, H1 क्लोज, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ पी दिस इज माई सेकेंड लाइन। सो यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर देता हूँ। जब मैं दो लाइन रिफ्रेश करूंगा तो कैसे कलर में आते हैं देखेंगे हम। देखिए देखिए ब्राउजर पे जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर में आ रहे हैं, जो हम डिफॉल्ट कलर होता है ब्राउजर का वो ब्लैक कलर ही होता है। हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं ब्लैक कलर को, कैसे चेंज करेंगे देखिए अभी। सो यहाँ पे हमने यूज किया टेक्स्ट एट्रीब्यूट और यहाँ पे हमने कलर दे दिया रेड। सो रिफ्रेश,
यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए कलर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट का यही काम है कि जो डिफॉल्ट कलर होता है ब्राउजर का उसे ही चेंज करेगा, मतलब सारा जो कंटेंट है, टेक्स्ट मटेरियल है, वो एक ही कलर पे आएगा। इंस्टेड ऑफ ब्लैक तो भी कलर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और बीजी कलर एट्रीब्यूट को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में जो इमेज दिया होगा वही आएगा, पर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के साथ आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, बीजी कलर के साथ आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो तीन एट्रीब्यूट हैं ये बॉडी टैग के एट्रीब्यूट हैं जो बॉडी टैग के साथ यूज होते हैं। और भी कुछ बॉडी टैग के ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन हैं जो हमें CSS के साथ करना पड़ेगा, और भी प्रॉपर्टीज है बॉडी का तो वो हमें CSS के साथ करना पड़ेगा। HTML में बस यही तीन ही एट्रीब्यूट हैं जो काम करते हैं। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्यूरी है, डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।